वो मनुष्य को ये ज्ञान ही नहीं है। इसका अर्थ क्या हुआ, पशु पक्षी मनुष्य से जास्ती ज्ञानी है। तो मेरी आपसे विनंती है कि आज के बाद आप किसी पशु पक्षी को गाली नहीं देना, क्योंकि वो आपसे जास्ती ज्ञानी है। कई बार हम गाली देते हैं ना, तू जानवर है, गाली ऐसे देना चाहिए, तू आदमी है, मनुष्य है, कुछ समझता नहीं है, कुछ अकल नहीं है, हमसे जास्ती अकल पशु पक्षियों को। तो इस अकल का अपने जीवन में उपयोग करें। अकल क्या है, जीवन नंतर पानी नहीं पीने का, एक तास नंतर या डेढ़ तास नंतर पीने का, तत्काल कुछ पीने का है तो ताक या दूध या जूस। अब ये पूछ सकते हैं आप, ताक कभी पीने का, दूध कभी पीने का? ताक हमेशा दोपहर को पीना, दूध हमेशा रात्रि को पीना, और जूस हमेशा सकाड़ी, सकाड़ी जेवन नंतर जूस पीने का, दोपहरी जेवन नंतर ताक पीने की, रात्रि जेवन नंतर दूध पीने का। आप बोलेंगे ये क्या चक्कर है, सकाड़ी जूस, दोपहरी ताक और रात्रि को दूध। बात ऐसी है, हम जो भी कुछ पीते और खाते हैं, हमारे पेट में उसको हजम करने के लिए, पाचन करने के लिए कुछ रस की जरूरत पड़ती है, जिसको अंग्रेजी भाषा में एंजाइम्स कहते हैं। वो रस हमारे पेट में समय समय पर उत्पन्न होते हैं। ताक को पचाने के लिए, दही को पचाने के लिए जो रस चाहिए वो दोपहर को ही पेट में आता है ज्यादा। दूध को पचाने के लिए जो पाचक रस की जरूरत है वो सूर्यास्त के बाद ही पेट में पैदा होता है ज्यादा। और जूस को पचाने के लिए जिस पाचक रस की जरूरत है वो सकाड़ी सबसे जास्ती होता है। इसलिए नियम बना दिया गया, सकाड़ी जेवन नंतर जूस, दोपहरी जेवन नंतर ताक, रात्रि जेवन नंतर दूध। समझ गए? अब आप ये बहुत सारी आई और ताई यहां जो बैठी है वो ये कहेगी, हम तो हमारे बच्चों को सुबह सुबह दूध पिला के स्कूल भेजते हैं। आयुर्वेद कहता है कि सुबह का समय दूध पीने के लिए अच्छा नहीं है, सबसे अच्छा समय दूध पीने का है वो शाम को है। तो आप क्या पिलाएं सुबह सुबह बच्चों को, जूस पिलाइए, संतरे का रस पिलाइए, मौसमी का पिलाइए, द्राक्षी का पिलाइए, टमाटर का पिलाइए, गाजर का पिलाइए, कुछ नहीं है तो नींबू की शिकंजी ही पिला दीजिए, सबसे सस्ता। और जितने दिन उस खाने को मिलता है, जितने दिन, 3 महीने 4 महीने, तो सकाड़ी ऊस का रस जरूर पीने का, नाश्ता नंतर जेवन नंतर। आप बोलेंगे इसमें क्या है, ये जो ऊस का रस है ये अद्भुत है, इसकी सबसे बड़ी विशेषता है कि इसमें भरपूर मात्रा में कैल्शियम है। और हमारे शरीर की ये जो हड्डियां होती हैं, इनको बनाने के लिए कैल्शियम सबसे जास्ती उपयोग में आता है। और जूस जो है ऊस का रस, उसमें सबसे जास्ती कैल्शियम, फिर दूसरे नंबर पे सबसे जास्ती फास्फोरस है। कैल्शियम और फास्फोरस अगर किसी ऊस में, सॉरी किसी रस में है तो वो तो सबसे अद्भुत है। इसलिए ऊस का रस जितने दिन मिले जरूर पीना। क्या क्या फायदा होगा, हड्डियां मजबूत होंगी, शरीर में चुस्ती फुर्ती रहेगी, ताकत बहुत ज्यादा आएगी। और मैं आपको एक दो माहिती देता हूं, जो ऊस का रस पी सकते हैं सुबह सुबह, उनको जिंदगी में कभी भी काविड़ रोग नहीं हो सकता। काविड़, काविड़ समझते हैं मराठी में, जॉन्डिस, आंखें पीली पीली हो जाती हैं, लगवी एकदम पीली आने लगती है, शरीर टूट जाता है, बिस्तर पे लेटना पड़ जाता है। और काविड़ की दुनिया में औषध नहीं है। एलोपैथी के किसी भी डॉक्टर से पूछेंगे वो कहेगा काविड़ की औषध नहीं है, ये तो अपने आप ही ठीक होता है। डॉक्टर कहेगा आराम करो 20 दिवस, 25 दिवस, 30 दिवस, लेकिन इस काविड़ को होने नहीं देना, इसकी सबसे बड़ी ताकत है ऊस के रस में। तो ऊस का रस पिए सुबह सुबह, बहुत अच्छा होता है। और मैं इसलिए भी कह रहा हूं ऊस का रस पीने को, कि सारे के सारे भारतीय नागरिक रोज सकाड़ी एक गिलास ऊस का रस पिए
तो भारत के जो शेतकरी ऊस उत्पन्न करते हैं वो सब श्रीमंत और कोटिपति हो जाएं। आप बोलेंगे वो कैसे? अभी क्या होता है, जो शेतकरी ऊस उत्पन्न करते हैं वो सारा ऊस साकर कारखाने में जाता है। साकर कारखाना चलाने वाला तो कोटिपति और श्रीमंत हो जाता है, शेतकरी वहीं का वहीं रोडपति रह जाता है। मैंने संपूर्ण भारत का 3 बार प्रवास किया है, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। जो भी शेतकरी ऊस उत्पन्न करते हैं सब गरीब हैं, रोडपति हैं। लेकिन उनके ऊस को साखर बनाने वाले जो श्रीमंत हैं और कोटिपति हैं, कारखाने के मालिक, वो सब उद्योगपति हैं। ये चक्कर क्या है? चक्कर बड़ा सीधा है। ऊस का भाव बहुत कम है, साखर का भाव बहुत जास्ती है। ऊस पैदा करने वाले शेतकरी को भाव कम ही है, लेकिन साखर बनाने वाले श्रीमंत को भाव सबसे जास्ती है। तो मेरा तो ये कहना है कि ऊस में से साखर बने एक भी शेतकरी श्रीमंत नहीं हो सकता। अगर इसी ऊस का रस बिकने लगे और सारे भारतवासी पीने लगे तो ऊस उत्पन्न करने वाला हर एक शेतकरी श्रीमंत होता है। और एक फायदा होता है, अगर ऊस का रस पिए ना तो नपुंसकता की बीमारी कभी नहीं आती। मैं आपको एक छोटी सी माहिती देता हूं, अगर आपके घर में ऐसे कोई पति पत्नी हैं जिनका विवाह हो गया लेकिन बच्चे उत्पन्न नहीं हो रहे, कमी किसी को भी हो सकती है, स्त्री में भी हो सकती है, पुरुष में भी हो सकती है, ऐसे किसी भी पति पत्नी को कहिए कि अगर बच्चा चाहिए तो ऊस का रस पियो। और क्या डालकर पियो? चूना डालकर पियो। चूना देखा है पान में जो लगाते हैं, वो चूना 1 ग्राम 1 गिलास ऊस के रस में मिला के 3-4 महीने से 5-6 महीने तक कोई भी पी ले, बड़े आराम से बच्चा हो जाएगा। और ऐसी स्थिति में तो सबसे जल्दी बच्चा होगा जब पुरुष के वीर्य में शुक्राणुओं की कमी है और इस कारण से बच्चा नहीं हो रहा है, उनके लिए तो ये अचूक औषध है, ऊस का रस और थोड़ा सा चूना। ये ऊस का रस और चूना दुनिया की सबसे अद्भुत औषध है, आप इसको पी सकते हैं। गुड़गे दुखने का अगर रोग है ना तो भी इसको पी लीजिए, गुड़गा दुखना कम कर देगा। कांधा दुखता है, कमर दुखती है, संधिवात हो गया है, ऊस के रस में चूना मिला के पीजिए, बहुत अद्भुत परिणाम। बार बार काविड़ होता है, उसके रस में चूना मिला के पीजिए, और अच्छे परिणाम। नपुंसकता है, शारीरिक कमजोरी है, उसमें भी ये काम करता है। तो मेरा कहना है आयुर्वेद का नियम सकाड़ी जेवन नंतर जूस पीने का, तो ऊस का रस सबसे अच्छा। दूसरे नंबर पर संतरे का रस, मुसम्मी का रस, द्राक्षी का रस, टमाटर का रस, गाजर का रस, और ये जितने भी रस आप पियेंगे सबका पैसा शेतकरी समाज को ही मिलेगा। और शेतकरी समाज को पैसा मिलेगा, शेतकरी समाज श्रीमंत होगा। मेरी आपको एक छोटी सी विनंती है, कुछ और रस आते हैं हमारे देश में बोतल में बंद, वो कभी नहीं पीना, वो सब खतरनाक है। जैसे बोतल बंद, बाटली में बंद एक रस आता है पेप्सी कोला, एक है कोका कोला, थम्सअप, लिमका, सिट्रा, मिरिंडा, मैंगो फ्रूटी, ये सब बाटली में बंद आते हैं ना, और पैकेट में भी बंद आते हैं, ये खराब है, इनको नहीं पीना क्योंकि इनमें दम नहीं है। आप बोलेंगे क्या दम नहीं है, इनमें है क्या? मैं विज्ञान का विद्यार्थी रहा हूं और विज्ञान के विद्यार्थियों के ऐसे 14 तरह के केमिकल मिलाए जाते हैं और ये सब जहर है, सभी विष है। ये पेप्सी और कोका कोला में तो एक केमिकल मिलाया जाता है, उसका नाम है फॉस्फोरिक एसिड। ये फॉस्फोरिक एसिड से आप जानते हैं क्या बनता है? संडा साफ करने वाला हार्पिक। आपने टीवी जाहिरात देखा हार्पिक,
वो संडास पात्र पे डालो, दो मिनट में फ्लश करो, झकाझक सफेद कर देता है। वो कैसे कर देता है? उसमें एसिड मिलाया हुआ है जिसको तेजाब कहते हैं और उसका नाम है फॉस्फोरिक एसिड। वही एसिड पेप्सी कोका कोला में भी मिलाया जाता है। तो एक बार मैंने सोचा कि हार्पिक से अगर संडा साफ हो सकता है तो पेप्सी से भी होना चाहिए, क्योंकि दोनों में एसिड है। तो मैंने मेरे घर में करके देखा। मैंने मेरे घर में क्या किया, एक महीने तक संडा साफ नहीं किया, खूब गंदा हो गया, एकदम पीला पीला कचरा जमा हो गया उसमें। फिर मैं पेप्सी और कोका कोला की बाटली लेके आया और संडास पात्र पे गिराया और दो मिनट के बाद पानी से फ्लश किया, संडास पात्र झक्का झक सफेद, एकदम वाइट एंड वाइट, एकदम नीट एंड क्लीन। वो दिन से मैंने एक जाहिरात शुरू किया है, ठंडा मतलब टॉयलेट क्लीनर, ठंडा मतलब कोका कोला नहीं है, ठंडा मतलब टॉयलेट क्लीनर। अब मुझे बड़ा दुख होता है कि पढ़े लिखे श्रीमंत लोग ये टॉयलेट क्लीनर गटागट पीते रहते हैं, जास्ती एजुकेटेड जास्ती पीते रहते हैं, इंजीनियर डॉक्टर चार्टेड अकाउंटेंट मैनेजर प्रोफेसर सब संडा साफ करने वाला पानी पी रहे। किसी के लग्न प्रसंग में जाते हैं ना तो फोकट में मिलता है तो दो दो तीन तीन बाटली घटकते, और पीने वाले घर में अकेले नहीं पीते, कोई मेहमान आ गया उसको भी पिलाते। एक तरफ कहते हैं अतिथि देवता होता है, देवताओं को इस अंडा साफ करने का पानी पिलाते रहते, और कुछ अतिथि अपने घर में ऐसे आते हैं जो कहते हैं ठंडा लाओ, माने हमको संडा साफ करने का पानी पिलाओ। मेरी आपको हाथ जोड़कर विनती है, ये पेप्सी कोक थम्सअप लिमका सिट्रा नहीं पीना, क्योंकि इसमें एसिड है, वो एसिड पेट को जलाता है, एसिडिटी पैदा करता है। और सबसे तकलीफ की बात पता है क्या है, कि आप बाटली खरीदते हैं वो 10-12 रुपए की आती है, कारखाने में सिर्फ 70 पैसे की बनती है, वो 12 रुपए में आप खरीदते हैं। और ये पेप्सी कोका कोला की बाटली विदेशी कंपनी की है, अमेरिका की कंपनी की है, वो भारत की नहीं है। तो आप अगर 12 रुपए की बाटली खरीदे 70 पैसा खर्चा होता है, 11 रुपए 30 पैसे मुनाफा होता है परदेशी कंपनी को, उसमें से वो 1 रुपए 1.5 रुपए टैक्स का देके फिर दुकानदार को 1-2 रुपए देके एक बाटली पर लगभग 8 से 8.5 रुपए कमा के अमेरिका ले जाते हैं। अगर एक बाटली पेप्सी कोला किसी ने पिया, 8 रुपए भारत देश का अमेरिका को दिया, 2 बाटली पिया 16 रुपए दिया, 3 बाटली पिया 24 रुपए दिया। दर वर्ष ही भारत में पेप्सी कोका कोला की 700 कोटी बाटली बिकती है और दर वर्ष ही भारत देश का 5,700 कोटी रुपए अमेरिका जाता है। 5,700 कोटी रुपए इतनी बड़ी रकम है कि अगर इससे सोना खरीद लिया जाए तो बीड़ जिले के एक एक गांव की सड़क सोने से बन सकती है। इतनी बड़ी रकम हम अमेरिका को देते हैं क्या पीकर? संडा साफ करने वाला पानी, पेप्सी कोला कोका कोला थम्सअप लिमका सिट्रा। तो मेरी आपको विनंती है नहीं पीना ये पेप्सी कोक। मैंने मेरे जीवन में यह देखा है कि जो पढ़े लिखे एजुकेटेड है ना वो ही पीते हैं पेप्सी कोका कोला, जो अनएजुकेटेड है कभी पढ़ने के लिए नहीं गए वो उसका ही रस पीते। इसका मतलब क्या है? अनएजुकेटेड है इंटेलिजेंट है और एजुकेटेड है मोस्ट इडियट है। संडा साफ करने का पानी पी रहे हैं, दूसरों को भी पिला रहे हैं, देश का पैसा विदेश में भेज रहे हैं और शेतकरी समाज को गरीब बना रहे हैं। तो आयुर्वेद का नियम जो मैंने बता दिया उसको ध्यान रखना है, सकाळी जेवण नंतर जूस पीना, दुपारी जेवण नंतर ताक पीना, रात्रि जेवण नंतर दूध पीना, जूस पीना तो सबसे अच्छा उसका, 2 नंबर पे संतरे मौसमी, फिर उसके बाद गाजर टमाटर, फिर जो भी फल मिले उसका। अभी दूसरा नियम, आयुर्वेद का दूसरा नियम, अष्टांग हृदयम का दूसरा नियम, पानी कैसे पीना। पहला नियम हो गया जेवन नंतर 1 तास के बाद पानी पीना,
जीवनपुर पीना है तो 48 से 50 मिनट पहले पीना, जीवन मध्य पीना है तो दो अन्न का भोजन अगर कर रहे हैं तो एक अन्न खाने के बाद दूसरा खाने के पहले थोड़ा सा पीना, जीवन अंतर तत्काल कुछ पीना है तो दोपहरी ताक पीना है, सकाड़ी जूस पीना है, रात्रि को दूध पीना। अब दूसरा नियम मैं बताने जा रहा हूं वो ये कि पानी कैसे पीना। तो आयुर्वेद में कहा गया है पानी को घूट घूट भर के पीना, सिप सिप करके पीना, जैसे चाय पीते हैं ऐसे पानी पीना, जैसे कॉफी पीते हैं ऐसे पानी पीना, एक घूट लिया फिर दूसरा लिया फिर तीसरा लिया, ऐसे करके पीना। आप बोलेंगे क्यों, कारण बताओ। कारण उसका यह है कि हमारा जो मुंह है इसमें सतत एक पदार्थ बनता है जिसको लार कहते हैं, अंग्रेजी में हम उसे स्लाइवा कहते हैं, सेलिवा कहते हैं, मराठी और हिंदी में लार कहते हैं। ये जो लार पदार्थ है ये आपके शरीर का बहुत महत्वपूर्ण पदार्थ है। क्या करता है ये पदार्थ पेट में अंदर जाता है तभी भोजन का पाचन शुरू होता है, इसका अंदर जाना बहुत जरूरी है। और ये अंदर जाने के लिए सबसे आसान है पानी के साथ ये जाएगा, और ये लार जो है ना सतत बनता है, हर सेकेंड बनता है, आप सो जाते हैं फिर भी ये बनता रहता है। तो आप अगर पानी घूट घूट पिएंगे, थोड़ा थोड़ा करके पिएंगे, तो बार बार लार पानी के साथ मिलके अंदर जाएगा, और ये लार जो है क्षारपण होता है, क्षारीय होता है, एल्कलाइन होता है। और हमारे पोट में जो है ना अम्ल बनता है, एसिड बनता है। तो आयुर्वेद शास्त्र कहता है कि पोट में एसिड बनता है, मुंह में क्षार बनता है, क्षार और अम्ल को मिलाते रहो तो दोनों एक दूसरे को निष्प्रभावी करते हैं, न्यूट्रल करते हैं। और जिनके पोट में क्षार और अम्ल दोनों मिले, लार और अम्ल मिले, वो जिंदगी में बीमार पड़ ही नहीं सकते। तो बार बार लार पोट में जाए इसके लिए पानी घूट घूट पीना। पानी पीने का तो सबसे अच्छा तरीका है थोड़ा पानी लेना मुंह में भरना, ऐसे ऐसे करके फिर पीना, सब लार मिलके अंदर जाए, बहुत फायदा होगा। ऐसे पानी पीना थोड़ा थोड़ा करके। अभी हम घटाघट पानी पीते हैं, लोटे पे लोटा एक ऐसे ऐसे पूरा उतार, बहुत गलत तरीका है वो। अब फिर मैं आपको एक प्रमाण देना चाहता हूं, सभी पक्षी और पशुओं को देखिए वो पानी कैसे पीते हैं। किसी पक्षी को देखिए एक थेम पानी का उठाएगा फिर ऐसे ऐसे मुंह करेगा फिर पिएगी, सभी पक्षी ऐसे एक एक थेम पानी पीते। कुत्ते को देखिए पानी कैसे पीता, चाट चाट के, शेर है, चीता है, कुत्ता है, ये बिल्ली है, सब पानी को चाट के पीते हैं। क्यों? आयुर्वेद का नियम उनको माहिती है। हाँ, जबकि वो कॉलेज में नहीं पढ़ते, स्कूल नहीं जाते, कोई उनका मेडिकल प्रोफेसर नहीं है, फिर भी माहिती है। कहां से आया? प्रकृति का ज्ञान उनको मिला है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं पशु पक्षी जानवर मनुष्य से ज्यादा होशियार हैं। मनुष्य अपने पे घमंड ना करे कि मुझे बहुत ज्ञान है, आपसे जास्ती ज्ञान पशु पक्षी को है, उनसे सीखने की जरूरत है। तो आप भी पानी को थोड़ा थोड़ा पीने की आदत डालें, जैसे चाय पीते हैं वैसे पानी पीने की आदत। आप बोलेंगे इसका फायदा क्या होगा? सबसे पहला फायदा बताता हूं, जिनको यहां पैर की एड़ी में दर्द होता है घूट घूट पानी पीना शुरू करेंगे ये दर्द धीरे धीरे खत्म हो जाए। जिनके शरीर में लठपणा आ गया, मोटापा आ गया, घूट घूट पानी पिएंगे लठपणा अपने आप कम होता जाएगा, औषध लेने की जरूरत ही नहीं है। जिनको एसिडिटी है, हाइपर एसिडिटी है, पोट में जलन होती है, गैस बनती है, घूट घूट पानी पिएंगे गैस बनना बंद हो जाएगी, एसिडिटी खत्म हो जाएगी। बहुत लाभ है इसके, आप इसको आज से ही शुरू कर देना, पानी घूट घूट पीना। ये दो नियम हो गए। अभी तीसरा नियम है सकाड़ी झोप नंतर तत्काल पानी पीना। सुबह सुबह जब आप सोकर उठते हैं ना सबसे पहले पानी पीना, मुंह नहीं धोना, दांत साफ नहीं करना, पहले पानी पीना।
आप बोलेंगे क्यों? रात्रि को आप सो गए, मुंह में जितनी लार बनी उठते ही पानी पी लेंगे तो सब अंदर जाएगी। और सुबह सुबह की ये जो लार होती है ना, ये बहुत कीमती है। इसकी कीमत पता है कितनी है? 5 मिलीग्राम सुबह के मुंह की लार 16,000 रुपए में बिकती है। 5 मिलीग्राम ये जो लार है ना, इसका आजकल शैशे बिकता, शैशे समझते हैं? वो शैंपू का जैसे होता है छोटा सा पैकेट, 5 मिलीग्राम लार का शैशे 16,000 रुपए का है। इतनी कीमत है। अब आप क्या करते हैं, इस कीमती लार को सुबह उठते ही थूकते हैं, ब्रश घिस घिस के पेस्ट कर करके थूकते हैं। इतनी कीमती चीज 16,000 रुपए की जो 5 ग्राम आती है उसको फोकट में थूक रहे हैं अपने वॉश बेसिन। ये थूकने के लिए नहीं है, ये अंदर ले जाने के लिए। और ये सुबह सुबह की लार है ना, मैंने इसके बहुत परीक्षण किए हैं, ये औषधि है, दवा है। किस किस रोग में दवा है? अगर किसी को आंखों के नीचे काला काला हो गया, जिसको डार्क सर्कल कहते हैं, सुबह मुंह की लार निकाल के आंखों के नीचे लगाना शुरू कर दो, 3-4 महीने में सब साफ हो जाएगा। अगर किसी को कील मुहासे बहुत निकलते हैं, सुबह की लार लगा के मालिश करना शुरू कर दो, 2-3 महीने में कील मुहासे ठीक हो जाते हैं। किसी के आंखों में चश्मा लगा हुआ है, सुबह के मुंह की लार आंखों में काजल की तरह से लगाना शुरू कर दो, चश्मा उतर जाता है। अगर शरीर में कहीं चोट लग गई है और वो ठीक नहीं हो रही है, सुबह की लार उस चोट पे लगा लो, चोट ठीक हो जाती है। आपने देखा जानवरों को, उनको जब चोट लगती है वो क्या करते हैं? जीभ से चाटते हैं, है ना, और अपनी चोट ठीक कर लेते हैं। आप भी यही कर सकते हैं। अब ये लार में नुकसान कब होता है, हानि कब होती है? जब सुबह ही सुबह उठकर आप पेस्ट घिसते हैं, ब्रश करते हैं, तो उसके साथ सब थूकना पड़ता है, तो सत्यानाश तो आप अपना खुद कर रहे हैं। इतनी कीमती चीज को थूक रहे हैं पेस्ट के चक्कर में, तो ये पेस्ट करना बंद कर दो तो लार थूकने की जरूरत नहीं पड़े। आप बोलेंगे क्या करें फिर? कड़ू लिंबाची काढ़ी करो। उसका क्या फायदा है? लिंबाची काढ़ी जैसे ही आप मुंह में लगाएंगे, लार जबरदस्त उत्पन्न होती है। करके देखो, मैं करता हूं। जैसे ही काढ़ी चबाना शुरू करेंगे, जास्ती लार बनेगी। वो पीने की है, थूकने की नहीं है। तो आप बोलेंगे उसका लाभ क्या है? लिंबाची काढ़ी घिसते हुए जो लार पी लेंगे, जिंदगी में डायबिटीज उनको नहीं हो सकती, शक्कर का रोग नहीं हो सकता, शुगर की बीमारी नहीं हो सकती, घुटनों का दर्द, कमर का दर्द, कंधे का दर्द नहीं हो सकता। आजकल एक बहुत खतरनाक रोग आया, चिकनगुनिया, सुना है आपने? हाँ, ये कभी नहीं होगा जीवन में अगर कड़ू लिम की काढ़ी घिसते हुए लार पिए। आपको एक माहिती है, अपना नया वर्ष आता है, गुड़ी पड़वा है ना, तो गुड़ी पड़वा के दिन हम प्रसाद बनाते हैं।